अब हम स्टोरी नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। स्टोरी सेकंड में जो मुख्य पात्र है वो है मुकेश। मुकेश का ड्रीम या एटीट्यूड क्या है, मुकेश का क्या स्वप्न है? मुकेश है, ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश का क्या स्वप्न है कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू ड्राइव ए कार, और वह एक कार को चलाना चाहता है। ही इंसिस्ट, और वह जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपने स्वयं के मालिक होने पर जोर देता है। ही बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, कि वह एक गरीब परिवार से संबंध रखता है जो कि चूड़ी बनाने का कार्य करता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मुकेश है अपने परिवार से हटकर कोई दूसरा कार्य करना चाहता है। यदि प्लेस के बारे में बात करें तो फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद फेमस है ग्लास बेंगल्स, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। और ये कांच की चूड़ियाँ सिंबलाइज प्रतीक हैं इंडियन वुमन्स सुहाग, भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है ये। आईयूपीएस नैस इन्हें शुभ माना जाता है इन मैरिज, और विवाह में इनको शुभ माना जाता है। अब हम देखते हैं कि हैजार्ड्स, खतरे, और वर्किंग इन दी ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, कि चूड़ी उद्योग में कार्य करने के खतरे। देखो, चूड़ी उद्योग में जो वर्कर्स हैं, वर्क विद हाई टेम्परेचर, उच्च टेम्परेचर में कार्य करते हैं इन डिंजी सेल्स। डिंजी सेल्स का मतलब है छोटी छोटी कोठरियों में विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें रोशनी और हवा का अभाव होता है। छोटी छोटी कोठरियों में हाई टेम्परेचर के साथ है कार्य करते हैं। द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास बेंगल्स, कि कांच की चूड़ियों से उड़ने वाली डस्ट की पॉलिश, कांच की चूड़ियों की पॉलिश करने से उड़ने वाली डस्ट है, मेक्स देम ब्लाइंड, उनको अंधा बना देती है। तो चूड़ी उद्योग में कार्य करने के दो खतरे हैं। एक तो है कि जो वर्कर्स होते हैं उच्च टेम्परेचर में छोटी छोटी कोठरियों में और बिना रोशनी के और हवा के कार्य करते हैं, और चूड़ियों की पॉलिश करने से उड़ने वाली डस्ट है उनको अंधा बना देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरोजाबाद में बैंगल मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वाले, लिव इन ए सैंटी टाउन्स। सैंटी टाउन का मतलब है कि एक तरह से बदबूदार कस्बे में रहते हैं, घुटन भरे कस्बे में रहते हैं। द लैंच ऑफ द टाउन, जो कस्बे में जो गलियां हैं, आर चॉक्ड विद गार्बेज, कूड़े से भरी हुई है। दे लिव इन ओल्ड होम्स, जो कि पुराने घरों में रहते हैं। दैट रिमेन्ज होबल्ज, जो कि डगमगाते हैं। विद स्क्रैम्बलिंग वॉल्स, और टूटी फूटी जो दीवारें हैं उनकी, बॉबी डोर्स, डगमगाते हुए घर मतलब दरवाजे हैं। नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है उन घरों में। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ वुमन एंड एनिमल्स, कि मानव और जानवरों के परिवारों से मतलब है भरे हुए हैं, और मानव और जानवर उसी तरीके से रहते हैं, को एग्जिस्टिंग के साथ साथ रहते हैं। इन ए प्रिमिटिव स्टेट, मानो कि आदिम काल में मानव और जानवर साथ साथ रहते थे, उसी तरीके से वो रहते हैं। आपको ध्यान रखना है फिरोजाबाद में बेंगल मेकर्स रहते हैं, और आपको सीमापुरी में ध्यान रखना है रैग पिकर्स रहते हैं। तो फिरोजाबाद में जो रैग पिकर्स हैं, लिव इन ए सैंटी टाउन, सैंटी टाउन बदबूदार या घुटन भरे कस्बे में रहते हैं। लैंच ऑफ टाउन, जो कस्बे की जो गलियां हैं, चॉक्ड विद गार्बेज, कूड़े से भरी हुई है। दे लिव इन ओल्ड होम्स, और वो पुराने घरों में रहते हैं। देन रिमेज होबल्स, जो कि एक तरीके के जर्जर अवस्था में है। विद क्रैम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें हैं और लड़खड़ाती हुई हैं।
बॉबली डोर्स डगमगाते हुए इनके दरवाजे हैं, नो विंडोज, घरों में कोई खिड़कियां नहीं है, क्राउडेड पिट है और भरे हुए हैं, जानवर और मनुष्यों से भरे हुए हैं, और ठीक वो उसी तरीके से रहते हैं जिस तरीके से प्राचीन समय में और लोग रहा करते थे। अब देखते हैं हम, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इन ए फिरोजाबाद। लिटिल हैज मूव्ड का मतलब है चेंज, और नहीं के बराबर बदला है, विद टाइम समय के साथ इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में समय के साथ नहीं के बराबर बदला है। लेखिका इस बात को अनीस जंग कहती है, क्योंकि पीपल आर वॉन्ड, बंधे हुए हैं, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बेंगल मेकिंग बेंगल्स, कि लोग हैं चूड़ी बनाने का जो बिजनेस है उसको जारी रखने के लिए बंधे हुए हैं। और हम देखते हैं दे फॉल, वो शिकार हैं दी वीसस सर्किल और कोचाग्र घेरा है ऑफ मिडिल मैन, कि बिचौलिया व्यक्तियों का जो कोचाग्र घेरा है और उसमें फंसे हुए हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर ईयर्स ऑफ माइंड लम्बलिंग और नंबलिंग, कि बरसों से माइंड लम्बलिंग, टॉयल का मतलब है हार्ड लेबर, कि बरसों से कठिन परिश्रम ने हैव किल्ड, समाप्त कर दिया है ऑल दी इनिटिएटिव, और इनिटिएटिव का मतलब है पहल करने की शक्ति को, द एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की शक्ति को, और हम देखते हैं कि सोचने की और शक्ति है उसको समाप्त कर दिया है उसे हार्ड लेबर ने। तो फिरोजाबाद में समय के साथ नहीं के बराबर बदलाव हुआ है। हम देखते हैं कि लोग हैं एक तरीके से बंधे हुए हैं, कि वो चूड़ी बनाने के बिजनेस को जारी रखने के अलावा और कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते, वो बिचौलिया लोग हैं उनके घेरे में फंसे हुए हैं, और बरसों से कठिन परिश्रम ने उनकी सोचने की क्षमता है और स्वप्न देखने की क्षमता है उसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है,